मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्यारे दर्शकों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए ऑरे की जानकारी लेकर के आई हूँ। ऑरा क्या होता है, ऑरे को हम कैसे समझें, कैसे देखें और खुद कैसे हम प्रैक्टिस करके उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। खुद की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर आप अपने ऑरे को देखना चाहते हैं। अपने ऑरे को मजबूत कैसे बनाएं, बहुत सारे सवालों के आज आप लोगों को जवाब मिलने वाले हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं अपने ऑरे के बारे में तो ये वीडियो जरूर देखिए। आज इसी की मैं जानकारी दूंगी, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर रमा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑरे के बारे में हम आज ही बात कर रहे हैं, पहले भी, बहुत सालों पहले भी हमारे ग्रंथों में ऑरे के बारे में लिखा जा चुका है। हमारा आभा मंडल, हमारी ऊर्जाओं का घेरा, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। हमारे शरीर की ऊर्जाओं के बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो देखिए, हमारे ऑरे के बारे में सदियों से चर्चा होती जा रही है। हम अपने ऑरे के बारे में बात नहीं करते थे, समझते नहीं थे, हम बाकी चीजों की बातें ज्यादा कर रहे थे। लेकिन आजकल लोग अपने बारे में ज्यादा बात करना चाहते हैं, इसलिए ऑरे की बात करना चाहते हैं। ऑरा क्या है? हमारा, हमारी ऊर्जाओं का घेरा। हर चीज का ऑरा होता है, ऐसा नहीं है कि मेरा ऑरा है तो आपका नहीं है, या टेबल का नहीं है, कुर्सी का नहीं है, हर चीज का है, खाने की चीज का। देखिए, जो भी चीज इस दुनिया में विद्यमान है उसका ऑरा होगा। हम सब ने अपने स्कूल में पढ़ा है, छोटे छोटे जो कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम, इन सब के बारे में पढ़ा। तो आप देखिए, इनमें ऊर्जा होती है। हम स्कूल में पढ़ते थे, कोई भी चीज़ इन छोटे छोटे कणों से बनती है। जो चीज़ें अपने आप चल नहीं सकती, खा नहीं सकती, उनके अंदर भी ऊर्जा होती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये प्लेट जिसपे हम खा रहे हैं उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, सिर्फ ऊर्जा उसी खाने में है जो कि हम खा रहे हैं, बिल्कुल उस प्लेट में भी अपनी ऊर्जा है। तभी तो बोलते हैं इस वाली थाली में खाना खाओ, इसमें नहीं खाओ। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जाओं का फर्क हमारे शरीर पे पड़ता है। हर चीज़ की अपनी ऊर्जा होती है, तभी कहा जाता है इस बर्तन में पानी रखो, इस चीज़ के साथ ना बैठो, बेड इस चीज़ का होना चाहिए, गद्दे इस चीज़ के होने चाहिए, अगर हम बैठे हैं तो कपड़ा ऐसा होना चाहिए, गद्दे का पर्दे ऐसे होने चाहिए। बहुत ही साधारण सी बातें भी हम करते हैं, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं उसके ऑरे की। हम सब लोग उस चीज़ को महसूस करते हैं, लेकिन बड़े तौर पर हम समझ नहीं पाते कि हम आभा मंडल की बात करें, कि ये हमारा आभा मंडल है, ये हर चीज़ों का आभा मंडल है। जो उनकी ऊर्जाएं हैं वो प्रभावित करती है, हर एक को प्रभावित करती है, चाहे वो टेबल कुर्सी हो, चाहे जिसमें हम प्लेट खा रहे हैं वो हो, चाहे वो चम्मच हो, हर चीज की अपनी ऊर्जा है, हर व्यक्ति की अपनी ऊर्जा है, हर कण में, सृष्टि में अपनी ऊर्जाएं विद्यमान है। और जब वो ऊर्जाएं दूसरे कण से मिलती हैं तो और बढ़ जाती हैं। तो आप देखिए, किसी भी चीज के अंदर कितने सारे कण हैं, इतने सारे कण, इतनी सारी ऊर्जाएं। अगर एक ही जैसे कण होंगे तो उनकी ऊर्जाएं एक ही जैसी होंगी और उसी रूप में विद्यमान रहेंगी। अगर कोई चीज़ अलग अलग चीज़ों से मिलके बनेगी तो उसकी ऊर्जाएं भी बिल्कुल अलग अलग होंगी, उसके अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं होंगी। बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिली हुई वो चीज़ें अपने आप में ही इतनी अद्वितीय ऊर्जाएं रखती हैं। अगर आप देख सकें तो आपको बहुत आनंद आएगा। वो ऊर्जाएं हमें दिखती कैसी हैं, हमारा आभा मंडल हमें दिखता कैसा है, तरंगों के रूप में दिखता है। आप देखते हैं ऐसे ऐसे तरंगे हम बनाते हैं फोटो में, या हम देखते हैं पानी की जैसे लहरें, उसी तरीके से हमारे आसपास से वो तरंगे निकल रही होती हैं, और वो ही हमारा ऑरा है। कितनी ज़्यादा वो स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है, उतना ही हमारा या फिर किसी भी चीज़ का ऑरा मजबूत हो जाएगा। देखिए, कोई चीज़ होती है, बाजार में हम जाते हैं, हमें देखते ही पसंद आ जाती है, क्योंकि उसका ऑरा इतना बढ़िया होता है कि वो हमारे ऑरे के साथ मैच हो जाता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, हमें अट्रैक्ट करती है और हम उसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक ही चीज़ दो तीन लोगों को इकट्ठे पसंद आ जाती है, वो एक साथ ही उस चीज़ पे हाथ रख देते हैं, हमें लेनी है। अगर दुकानदार के पास और होती है तो वो कह देता है कोई बात नहीं, मैं दूसरी दे दूंगा, नहीं होती तो उसमें भी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि उस चीज़ का ऑरा, उस कपड़े का ऑरा, जो भी वो चीज़ है उसका ऑरा इतना प्रभावित होता है कि व्यक्ति खिंचा चला जाता है उसके ऑरे की तरफ। तो हर चीज़ की अपनी ऊर्जाएं हमें प्रभावित करती हैं, चाहे वो हमारा शरीर हो या फिर हम जिन चीज़ों को अपने जीवन में प्रयोग करें वो चीज़ें हों। तभी तो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं,
ये कलर के कपड़े पहनिए, सूती कपड़े पहनिए, ये वाला कपड़ा नहीं पहनिए। इस तरीके की आप चीज़ें अपने शरीर के लिए प्रयोग कीजिए, क्योंकि हर चीज़ की ऊर्जा का हमारे ऊपर, हमारे जीवन पे फर्क पड़ने वाला है। देखिए, हम किस तरीके के पर्दे अपने घर में रख रहे हैं, उसकी ऊर्जाओं को हम समेट रहे हैं अपने अंदर, क्योंकि वो सारा दिन घर में रहेंगे, वो स्टिल हैं, वो रुके हुए हैं, वो ऊर्जाएं हमारे पास हमेशा रहेंगी। हमें सोच समझ के अच्छे पर्दे, अच्छे कपड़े वाले ही लगाने चाहिए। अगर आप सिंथेटिक पर्दे लगाएंगे तो वो जो ऊर्जाएं आपके घर के अंदर रहती है ना, ज़्यादातर वो उन ऊर्जाओं को अंदर ही सिमेटे रख। अगर हम सूती पर्दे लगाते हैं, कॉटन के पर्दे लगाते हैं, तो क्या होता है, उनसे ऊर्जाएं आ जा सकती हैं, तो वो कहीं भी किसी भी चीज़ को ब्लॉक नहीं करते एनर्जीज़ को। सिंथेटिक अगर आप पर्दे यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप उन पर्दों को हटाइए और आने दीजिए खुली हवा को आपके घर के अंदर, क्योंकि वो ब्लॉक कर देंगे एनर्जीज़ को अगर आप सारा दिन उन पर्दों को लगाए रखेंगे। भले ही आप दरवाज़ा खोल दें, फिर भी ऊर्जाएं अंदर एंटर नहीं हो पाएंगी। सूती पर्दे की हवा को आर पार करते हैं, या फिर पर्दे का कुछ ऐसा डिज़ाइन ही हो कि जिसमें से हवा आर पार आ सकती है। तो आप देखिए कितनी साधारण सी, कितनी छोटी सी चीज़ है पर्दा, जिसमें हम कभी ध्यान नहीं देते। सिर्फ हम ये ध्यान देते हैं कि वो हमें अच्छा लग रहा हो, सुंदर लग रहा हो, और हम ले लेते हैं कि चल हमें पसंद आ रहा है। लेकिन हमें अपने लिए प्रयोग करने वाली हर छोटी से छोटी चीज़ की ऊर्जा देखनी पड़ती है, क्योंकि वो होता है उसका ऑरा। जैसे हमारा ऑरा हमारी ऊर्जाएं हैं, जो कि तरंगों के रूप में हमारे पूरे शरीर से निकल रहा है और एक घेरा सा बना लेता है। वो घेरा बताता है कि हम कैसे हैं। एक तो हमारा इंटरनल ऑरा होता है, जो हमारे शरीर के पास होता है, बिल्कुल 3 से 5 इंच बिल्कुल एकदम करीब होता है, और एक ऑरा हमारे शरीर से 5 से 8 फुट के आसपास फैला हुआ होता है। देखिए, जो मैं रेकी की बात करती हूँ ना, वो इंटरनल ऑरे पे काम करती है, इंटरनल ऑरे से जुड़ जाती है, हमारी ऊर्जाओं से जुड़ जाती है। तो हमें रेकी करने के लिए कभी भी व्यक्ति को छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम संपर्क उसकी ऊर्जाओं से बना रहे हैं। जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम संपर्क मोबाइल की ऊर्जाओं से बनाते हैं, उसके नंबर की ऊर्जाओं से बनाते हैं, वैसे व्यक्ति की ऊर्जाओं से बनाते हैं। और बहुत आसान हो जाता है किसी की भी रेकी हीलिंग करना, किसी को भी ठीक करना, मानसिक शारीरिक स्तर पे ठीक करना, उसके जीवन की समस्याओं को ठीक करना। चलिए वापस बात करते हैं ऑरे की। ऑरा हमारी ऊर्जाओं को बताता है, हर चीज़ की ऊर्जाओं को बताता है। इसलिए आप कोई भी चीज़ अपने जीवन में ले रहे हैं ना, सोच समझ के लीजिए। आपके दोस्त कैसे हैं, उनकी ऊर्जाएं कैसी हैं, उसका भी आपके जीवन में इफेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी से मिल नहीं रहे, वो आपसे बहुत दूर है, आप उससे फ़ोन पे बात करें तो भी आप उसकी ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मिल रहे, आप किसी के पास नहीं जा रहे, आप उनसे अगर बात करेंगे, संपर्क करेंगे किसी भी तरीके से, तो आप उनकी ऊर्जाओं के साथ कनेक्शन बना लेते। हर चीज़ की अपनी ऊर्जा है, हर व्यक्ति की अपनी ऊर्जा है, और हर ऊर्जाएं अपने आप में विलक्षण हैं, अलग हैं। जैसे हमारे ये 7 चक्र हैं ना, वैसे ही ऊर्जाओं में भी 7 घेरे होते हैं बारीक से, 7ों चक्रों के। हमारी ऊर्जाएं कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी स्ट्रांग होते हैं हमारे जीवन में, वही कलर हमारे ऑरे में ज़्यादा नज़र आता है, वही हर चीज़ों के साथ है। उनकी ऊर्जाएं जो उनमें ज़्यादा होती हैं वही नज़र आती है, सकारात्मक नकारात्मक, क्या कलर है, क्या कलर नहीं है, क्या कलर उसमें है, क्या नहीं है, वो भी पता चलता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना ऑरे को अगर हम महसूस करने लगे। देखिए आप भी सीख सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये कि हम ऑरे के बारे में नहीं जान सकते, ये बहुत ही विलक्षण सी चीज़ है, नहीं। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन ऊर्जाओं से जुड़ने लगेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ भी ऊर्जाओं के संबंध में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करना पड़ेगा। मेडिटेशन से हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी ऊर्जाएं हैं ना उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, और उसके बाद हम जुड़ते हैं परम पिता परमेश्वर से, जो भी है वो बड़ी शक्ति, वो सबसे बड़ी ऊर्जा, उससे हम जुड़ते हैं। वो ईश्वर भी तो एक ऊर्जा ही तो है, ये प्रकृति में जो फैली हुई इतनी सारी चीज़ें वो भी तो ऊर्जा ही है। प्रकृति अपने आप ही सारी चीज़ें नियमित करती जाती है, वो क्या है, ऊर्जा ही तो है, ऊर्जा ही तो हर चीज़ को बैलेंस कर रही है। देखिए अगर आप ऊर्जाओं को समझना चाहते हैं, ऊर्जाओं से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा कीजिए मेडिटेशन करके। कितना टाइम आपको लगेगा, एक दिन में आप कितना टाइम दे सकते हैं, और कितने टाइम बाद आप मेडिटेशन के अच्छे स्तर पे पहुंच जाएंगे,
वो नहीं कहा जा सकता, वो डिपेंड करता है आप पे, आपकी ऊर्जाओं पे, आपकी मेहनत पे और आपकी लगन पे। जब आप मेडिटेशन के ध्यान के अच्छे स्तर पे पहुंच जाएंगे तो आप भी आभा मंडल को महसूस करने लगेंगे। जरूरी नहीं है कि आप देख भी सके, कई लोग तो देख लेते हैं, कई लोग नहीं देख पाते। देखिए, इसमें प्रैक्टिस की बात तो होती ही होती है, दूसरी हर व्यक्ति की अपनी संवेदनशीलता होती है ऊर्जाओं के प्रति। किसी व्यक्ति की ज्यादा होती है संवेदनशीलता, वो जल्दी पहचान लेता है, उसे सीखना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप ही इन चीजों को समझ लेता है, देख लेता है और उसे पता चल जाता है, अच्छा इसका ऑरा ऐसा है, इसका कलर ऐसा है, इसके अंदर ये चीजें हैं, वो अपने आप ही उसकी क्वालिटीज होती है। और कुछ लोग प्रैक्टिस से सीख लेते हैं और कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके काफी टाइम बाद उन्हें आने लग जाती है चीजें, उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये आपकी संवेदनशीलता पे निर्भर करता है। अगर आप कम संवेदनशील हैं ऊर्जाओं के प्रति, संवेदनशीलता ऊर्जाओं के प्रति की मैं बात कर रही हूँ, उस पे निर्भर करता है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, एकत्रित करेंगे अपनी सारी ऊर्जाओं को, तो आप ऊर्जाओं को समझने लगेंगे। सबसे पहले आपको अपना ऑरा देखने की कोशिश करनी है। आप क्या कर सकते हैं, शीशे के आगे बैठ जाइए और पीछे एक मोमबत्ती जला लीजिए, अंधेरा रखिए कमरे में और फिर कोशिश कीजिए आपके आसपास जो रोशनी फैली हुई है ना, उसके कलर को देखने की कोशिश कीजिए। काफ़ी देर तक आपको देखना पड़ेगा, 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, 10 मिनट कीजिए, फिर 15 मिनट बढ़ाइए, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिए। इतने में ही धीरे धीरे आप समझने लगेंगे। जब आपको अपना ऑरा दिखने लग जाएगा ना, तो आप दूसरों के ऑरे को भी देखना और समझना शुरू कर देंगे। आप किसी चीज़ों का ऑरा भी देखने की कोशिश कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके घर में हों, जो पड़ी हुई हैं, उनको आप थोड़ी देर देखें, आपको लगेगा कि हाँ उनके आसपास एक घेरा है, एक ऊर्जा का घेरा है। फिर आपको महसूस होंगी तरंगे जो कि उनके अंदर से निकल रही होंगी। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बैठ के, लेकिन आपकी प्रैक्टिस से आपकी जो ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशीलता है वो बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं सीखना तो आप भी सीख सकते हैं, बहुत जल्दी आप उसके बाद समझ जाएंगे किसी भी चीज़ को देख के कि इसकी ऊर्जाएं पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको किसी से मिलना नहीं पड़ता, उसका नाम बताते हैं, कनेक्शन बन जाता है, बता देते हैं अरे ये बंदा ठीक नहीं, ये ऐसा नहीं, ये चीज़ें क्या है, ये उसकी ऊर्जाओं से कनेक्शन ही तो है जो उसके बारे में बता देता है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कोई मुझे कहता है कि आप बोलिए कि आप भाई हम कैसे मान लें कि आप औरे को देख लेते हैं, क्या करते हैं, तो मैं उन्हें कुछ चीज़ें उनके बारे में बताती हूँ, आपने ये कपड़े पहने हैं या जो भी चीज़ मुझे उस टाइम उनके बारे में पता चलती है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा हर चीज़ ही बता दूंगी, मुझे उस समय जो खास लग रही होती है उनसे जुड़ी हुई चीज़ें वो मैं बता देती हूँ, तो उनको हैरानी होती है, अरे आपने कैसे बताया, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उनकी ऊर्जाओं के साथ कनेक्शन ऑटोमेटिक बन गया था तो वे चीज़ें समझ में आ जाती। तो लोगों को कई बार डाउट भी आता है, अरे कहीं ये कुछ और चीज़ तो नहीं जानती जो कि इसने ये चीज़ बता दी। देखिए, ये सिर्फ आभा मंडल का ही ज्ञान है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऊर्जाओं के साथ जब कनेक्शन बनता है ना, तो हम आपके बारे में भी जानने लग जाते हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं या जिनके बारे में हम नहीं जानते उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बारी व्यक्ति बता ही देगा जो ऊर्जाओं से कनेक्शन बना लेता है। कभी कभी सही इंडिकेशंस नहीं मिलते, आदमी नहीं भी बता पाता, कोशिश करता है, कहता मुझे कुछ ये लग रहा है और ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है। ये सब चीज़ें व्यक्ति के अंदर नहीं होती, ऊर्जाएं कितना उससे कनेक्शन बना रही है, उस व्यक्ति की क्या ऊर्जा है, उस चीज़ की क्या ऊर्जा है, उस एरिए की क्या ऊर्जा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कहीं जा रहे होते हैं, हमारा मन नहीं करता, हम नहीं जाते वहाँ पे, और बाद में हम देखते हैं कि कोई ना कोई परेशानी उस जगह पे आई, तो हमारी ऊर्जाएं वहाँ की जो नकारात्मकता थी, होने वाली थी, उससे पहले ही कनेक्शन बना के अपने आप को अलग कर लेती हैं। ये सब ऊर्जाओं का ही खेल है और हम सब इसको महसूस करते हैं बस, लेकिन हम सब इसे देख नहीं पाते। कुछ लोग देख लेते हैं, कलर्स देख लेते हैं, आभा मंडल का कलर देख लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है रंगों को देखना, फिर चर्चा करना। जो लोग ऑरे को देख लेते हैं, जब हम एक साथ मिलते हैं तो हम सब चर्चा करते हैं उसका ऑरा इस कलर का है, इसमें ये वाली ऊर्जाएं ज़्यादा है, बहुत अच्छा लगता है जब हम ये सब चर्चाएं करते हैं कि हाँ जो चीज़ मैं जज कर रही हूँ वो मेरे साथ वाला व्यक्ति जो ऑरा देख सकता है वो भी जज करता है। कई लोग कहते हैं आप कह रहे हो, हम कैसे मान लें कि इसके ऑरे का यही कलर है, अगर मैं कह रही हूँ जो दूसरा व्यक्ति ऊर्जा से जुड़ा हुआ है वो भी
अलग से वही कलर कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। अगर हम दोनों को यही कलर दिखा तो कहीं ना कहीं ऊर्जाएं अपने आप में काम करती हैं, हमारा जो आभा मंडल है हम सब महसूस कर सकते हैं। अब हमें ये समझना है कि हमारी ऊर्जाएं अच्छी कैसे हो, सकारात्मक कैसे हो, जिससे हम सबसे जुड़े, हर एक हमसे बात करना चाहे और हम जीवन में प्रगति करें, उन्नति करें, आगे बढ़ें। तो हम सब अपनी ऊर्जाओं को अच्छा बनाना चाहते हैं, सकारात्मक बनाना चाहते हैं। देखिए हमारी ऊर्जाएं सबसे पहले तो हमारी सोच से आप सोच लीजिए कि जुड़िए, आपको बिल्कुल सकारात्मक सोचना है, अच्छी बातें सोचनी है। अगर आप गुस्सा करोगे, आप ईर्ष्या करोगे तो बिल्कुल आपके औरे में नकारात्मकता आएगी, बिल्कुल आएगी और वो लोगों को दिखेगी। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल गुस्सा ही करना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, करिए लेकिन बाहर आ जाइए जब वो बात खत्म हो जाए। उस गुस्से को अपने अंदर लेके नहीं बैठिए, ईर्ष्या अपने अंदर लेके अगर आप सारा दिन बैठेंगे तो वो आपके अंदर एक नकारात्मकता का घेरा बनाती ही रहेगी, बहुत स्ट्रांग घेरा बना देगी जो कि लोगों को दिखने लगेगा कि इसके अंदर कोई ना कोई नकारात्मकता है। अच्छी बातें सोचिए, जीवन में उन्नति की सोचिए, दूसरों के बुरे से ज़्यादा अपनी प्रगति की सोचिए। दूसरों के बारे में आप नहीं सोचिए वो ये क्यों कर रहा है, ये सोचिए कि मैं कैसे प्रगति कर सकता हूँ, मैं कैसे उन्नति कर सकता हूँ। बस वही चीज़ आपके औरे को उठाती रहेगी। अच्छी नींद आपको लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहे और लोगों को आपके आभा मंडल में सकारात्मकता दिखे। आपको अपना खाना पीना भी अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, ऐसा खाना खाना है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। आप टाइमली खाना खाएं, ऐसा ना हो कि आपके खाने का कोई टाइम ही नहीं है, आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं उसका भी कोई हिसाब ना हो। हिसाब से अच्छा पौष्टिक आहार लीजिए, आपका और आप बिल्कुल मजबूत होगा, क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जाओं को बताता है हमारा आभा मंडल। तो आप देखिए अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ औरा ही तो रहेगा, वही तो दिखेगा लोगों को। और स्वस्थ औरे में अगर स्वस्थ मानसिकता होगी वो भी कितना अच्छा लगेगा। तो आप देखिए जो हमारी सोच है, हमारी बातें हैं, हमारी जीवन शैली है, सब कुछ हमारे औरे में दिख जाती है। अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है फिर भी आपका औरा कमजोर है तो आप क्या कीजिए, वॉक कीजिए, सुबह सुबह पेड़ों के आसपास चक्कर लगाइए, घूमिए, उनकी सकारात्मकता अपने अंदर लीजिए। अलग अलग पेड़ों में अलग अलग सकारात्मकता होती है, वो सब आपको चाहिए, आपके औरे में आनी चाहिए। आप जिस भी धर्म से संबंधित हैं उस धर्म से संबंधित जगह में जाइए, कम से कम हफ्ते में एक बार जाइए, बहुत सकारात्मकता होती है धार्मिक स्थानों में। आप वहाँ जाएंगे तो आप देखिए कि आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना ज़्यादा आप बैलेंस खुद को महसूस करेंगे। आपके अंदर जितनी नकारात्मकता आई थी ना सब निकल जाएगी। तो आपको देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, अगर आप अपने आभा मंडल को मजबूत करना चाहते हैं तो बहुत मेहनत नहीं करनी, सिर्फ नियमित खाना, नियमित सोना, अच्छी सोच, ये सारी चीज़ें आपको जोड़ेंगी, आपसे आपकी ऊर्जाओं से मजबूत करेंगी। ध्यान आप लगाइए, वैसे भी ध्यान सबको लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपने आभा मंडल को देखने के लिए और दूसरों के आभा मंडल को देखने के लिए ही ध्यान लगाएं। आप रोज ध्यान लगाइए, बहुत ज़्यादा जरूरी है जीवन में ध्यान लगाना, रोज ध्यान लगाना हमें हमारी ऊर्जाओं से जोड़ता है, ये ध्यान हमें सफलता की तरफ ले जाता है। अगर हम ध्यान लगाने लग जाते हैं हम शांत हो जाते हैं, हम प्रगतिशील हो जाते हैं, हम पॉजिटिव हो जाते हैं। देखिए यही चीज़ें तो हमें जीवन में चाहिए और हमें कहीं ना कहीं सफलताएं भी मिलने लग जाती हैं, वो चीज़ें जो हम जीवन में चाह रहे थे वो हमें मिलने लग जाती हैं। तो देखिए हम ध्यान से अपने औरे को भी मजबूत कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान से मिल सकती है। लेकिन आज की वीडियो तो मैं औरे के बारे में ही कर रही हूँ, तो देखिए आपको औरे के बारे में बहुत सारी जानकारी आज मिल गई हो कि ये जो आभा मंडल सिर्फ हमारा नहीं है, हर चीज़ का होता है, हर चीज़ की अपनी ऊर्जाएं हैं और वो ऊर्जाएं हम पे असर करती हैं। कैसे हम इन्हें समझें, कैसे हम इन्हें महसूस करें, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जब भी हम किसी चीज़ के आभा मंडल को देखते हैं और उसके रंगों को महसूस करते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं फिर आप लोगों से बहुत सारी ऐसी ही बातें लेकर के आऊँगी। मैं डॉक्टर रमा, नमस्कार।